नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरों की। हरियाणा में चल रहे विधानसभा चुनाव के लिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी के समर्थन में कई रैलियों को संबोधित कर लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना को पहला राफेल लड़ाकू विमान सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर फ्रांस गए थे। आज दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में कुंदन ठाकुर निर्देशित फिल्म 3 तलाक का रिलीजिंग कार्यक्रम है, जहां इस मौके पर केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चेतावनी दी है कि आज से दिल्ली की हवा एक बार फिर से प्रदूषित हो सकती है, जिससे आने वाले दिनों में लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। देश में औद्योगिक निवेश के लिए माहौल बनाने और रोजगार की संभावनाओं को पैदा करने के लिए इंदौर में होने वाले मैग्निफिसेंट एमपी की उल्टी गिनती आज से शुरू हो रही है। आपको बता दें कि 18 अक्टूबर को होने वाले इस समिट में खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने कार्यकाल के इस पहले कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर मोर्चे को संभाले हुए है। हरियाणा में आज भाजपा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के मौजूदगी में चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और बीजेपी कांग्रेस के उस घोषणा पत्र के काट में अपना कुछ नया घोषणा पत्र जारी कर सकती है। आज आदि काव्य रामायण के रचयिता ज्ञानी महर्षि वाल्मीकि का जन्मदिवस देश भर में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। आपको बता दें कि पौराणिक कथाओं के अनुसार वैदिक काल के महान ऋषि वाल्मीकि पहले डाकू थे, लेकिन जीवन की एक घटना ने उन्हें बदल कर रख दिया और वे सन्यासी बन गए। तेलुगु देशम पार्टी ने आरोप लगाया है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सरकार जनता के पैसे को लूट रही है, जबकि वाईएसआर का कहना है कि टीडीपी सरकार के कार्यकाल में काफी वित्तीय अनियमितता हुए हैं और पूर्व सरकार ने काफी अधिक कर्ज ले रखे हैं, जिसे हम चुका रहे हैं। कांग्रेस के बाद इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो ने भी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और यह घोषणा पत्र चंडीगढ़ में पार्टी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बीएस दहिया ने जारी किया। जम्मू कश्मीर में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, जिसको देखते हुए राज्य प्रशासन ने सोमवार से पोस्टपेड मोबाइल सेवा बहाल करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि सोमवार दोपहर 12 बजे से राज्य में पोस्टपेड मोबाइल सेवा शुरू हो सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पीएमसी बैंक के उपभोक्ताओं से कहा है कि वह उनकी समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि आज होने वाले मुलाकात के बाद जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे तो वह इस मुद्दे पर चर्चा जरूर करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को एक आदमी अपनी मर्जी से नहीं चला सकता। भारत की अर्थव्यवस्था काफी बड़ी हो गई है, एक व्यक्ति के द्वारा इसको चलाया नहीं जा सकता और इसका उदाहरण हम सब देख चुके हैं। रूस के उलान उदय शहर में चल रहे वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 6 बार की चैंपियन एमसी मैरी कॉम सेमीफाइनल में हार गई है। आपको बता दें कि सेमीफाइनल में वे तुर्की की वुसेनाज साकिरोग्लू से 1-4 के अंतर से हारते हुए मैरी कॉम विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियन में अपने 7वें गोल्ड मेडल से चूक गई। हालांकि गोल्ड मेडल के ठीक एक कदम पहले मिली हार के बाद भारत ने मैच रेफरी के निर्णय के खिलाफ अपील दर्ज कराई है। केंद्रीय सूचना आयोग के 14वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हमारा देश सूचना का अधिकार कानून लागू करने में सफल हुआ है, जो पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आरटीआई एक्ट की कल्पना की गई थी, उसे लगभग अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचाने में हमारा देश सफल रहा है। जीएसटी में आ रही अड़चन और इसकी खामियों पर लगातार उठ रहे सवाल के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बयान देते हुए कहा है कि मौजूदा रूप में जीएसटी में कुछ खामियां हो सकती है, लेकिन इसे कोसना छोड़कर बेहतर बनाने के बारे में सुझाव देना चाहिए।
लोकसभा चुनाव में इस बार 8,026 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी और इनमें से 86% उम्मीदवार ऐसे हैं जो अपने चुनाव में जमानत नहीं बचा सके। इस संबंध में चुनाव आयोग की ओर से जानकारी दी गई है कि 86% उम्मीदवार पिछले लोकसभा चुनाव में अपना जमानत नहीं बचा सके, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में इसका परसेंटेज 67.4 था। हरियाणा में चल रहे विधानसभा चुनाव में कई नेताओं के टिकट काटे जाने के बाद कुछ नेता अपने ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको देखते हुए बीजेपी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए पुंडीर के विधायक दिनेश कौशिक, रणधीर गोलान समेत 6 लोगों को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, क्योंकि ये दोनों पुंडरी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से राज्यसभा सांसद विजय गोयल ने आम आदमी पार्टी सरकार पर राजनीतिक लाभ के लिए सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। इस संबंध में विजय गोयल ने दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की, जिसके बाद गोयल ने कहा कि चुनाव आयुक्त मुख्य सचिव से बात करके उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तापमान में गिरावट के साथ अभी भी देश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार देश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है, जिनमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल शामिल है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने आपसी मतभेदों को निपटाने और पारस्परिक लाभ के लिए सहयोग का विस्तार करने का अनुरोध किया है, ताकि चीन अमेरिकी संबंधों को सही रास्ते पर लाया जा सके। मुंबई की सड़कों पर दौड़ने वाली काली पीली रंग वाली पद्मिनी टैक्सी 2020 में सड़कों से गायब हो सकती है, क्योंकि सरकारी आदेश के अनुसार 2020 में मुंबई की सड़कों पर पद्मिनी टैक्सी चलनी बंद हो जाएगी। अगले महीने 5 से 15 नवंबर तक दिल्ली में लागू होने जा रही ऑड इवन के पहले दिल्ली NCR के लाखों CNG वाहन चालकों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि इस बार ऑड इवन में निजी CNG वाहनों को छूट नहीं दी जाएगी। झारखंड RJD के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने कहा है कि अगर हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनना है तो उन्हें त्याग करना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फैसला कर ली जाएगी। फोर्ब्स ने वर्ष 2019 के लिए सबसे अमीर भारतीयों की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में ऐसे कई अरबपति हैं जिनके उम्र 50 साल से कम है। आपको बता दें कि सबसे कम उम्र के अरबपति बनने वाले पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा का नाम भी शामिल है, जो मात्र 41 वर्ष के हैं और वे टॉप 100 में 56वें स्थान पर हैं। इंटरनेशनल मैगजीन कोंडे नेस्ट ट्रेवलर ने हाल ही में रीडर्स चॉइस अवार्ड 2019 की घोषणा की है, जिनमें 17 होटलों को बेस्ट होटल इन द वर्ल्ड की श्रेणी में रखा गया है और इनमें से टॉप 10 में भारत के 2 होटलों का भी नाम है। केंद्र सरकार जल्द ही बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक और तोहफा दे सकती है, जिसके तहत मोदी सरकार अब हर राज्यों में 4 से 5 कंपनियों को बिजली वितरण लाइसेंस देने की योजना बना रही है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं के पास यह सुविधा होगी कि वह किस कंपनी से बिजली लेना चाहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय शिष्टमंडल सर्बिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ की 141वीं बैठक में भाग लेंगे। आपको बता दें कि यह बैठक आज से 17 अक्टूबर तक सर्बिया में चलेगी। सार्वजनिक क्षेत्र के इलाहाबाद बैंक ने मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट MCLR में 0.05% की कटौती की है। आपको बता दें कि यह कटौती 14 अक्टूबर से प्रभावी होगी, जिसकी सूचना बैंक ने शेयर बाजार को दे दी है। देश में करोड़पतियों की तादाद लगातार बढ़ रही है। इस संबंध में इनकम टैक्स ने एक आंकड़ा जारी किया है, जिसके मुताबिक असेसमेंट ईयर 18-19 में लगभग 97,689 लोगों ने अपना इनकम 1 करोड़ से ज्यादा दर्शाया है, जो पिछले वर्ष के तुलना में 20% ज्यादा है, क्योंकि पिछले वर्ष 81,344 लोगों ने ही 1 करोड़ से ज्यादा का इनकम दर्शाया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आथिया शेट्टी की अगली फिल्म मोतीचूर चकनाचूर का पोस्टर रिलीज कर दिया गया है और इस पोस्टर में आथिया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी दुल्हा दुल्हन के रूप में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यह फिल्म 15 नवंबर को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
पटना से हमारे संवाददाता राजेश कुमार बता रहे हैं कि रूबरू मैसेज इंडिया 2019 का खिताब जीत चुकी डॉक्टर तारा सितारा फिलीपींस में होने वाले मैसेज टूरिज्म यूनिवर्स में भाग लेगी। इस संबंध में डॉक्टर तारा ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें बताया कि फिलीपींस में होने वाले मैसेज टूरिज्म यूनिवर्स में वे भाग लेंगी, जिसके लिए बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें शुभकामनाएं दी है। दिल्ली से हमारे संवाददाता महेश जैन बता रहे हैं कि रोहिणी के सेक्टर 3 में आगम अभिनंदन महोत्सव का आगाज ज्ञात पूज्य गुरुदेव श्री अरुण मुनि जी महाराज ठाणे के सानिध्य में 1 अक्टूबर से 1 नवंबर तक मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि जैन धर्म में 32 सूत्र होते हैं और आज जैन धर्म के 12वें सूत्र औपपातिक धर ले जाने का शुभ अवसर सुभाष जैन को मिला। इस मौके पर सरिता जैन के पति सुभाष जैन ने औपपातिक 12 सूत्र जैन धर्म के बारे में विस्तार से बताया। बिहार के पटना से हमारे संवाददाता राजेश कुमार बता रहे हैं कि विश्वजीत कुमार कांकरबाग स्टेट लोहिया नगर पार्क में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि राजकीय समारोह के साथ मनाई गई। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, सीएम नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित कई गण्यमान्य व्यक्तियों ने लोहिया जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। यूपी के संभल से हमारे संवाददाता सीताराम कुशवाहा बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की मंशा को संभल पुलिस पलीता लगाने में लगी हुई है, क्योंकि यहां के दरोगा रिश्वत लेते कैमरे में कैद हो गए हैं और उनके रिश्वतखोरी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार के मोकामा से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि मोकामा के विधायक अनंत सिंह के समर्थक बंटू सिंह ने एक और ऑडियो टेप जारी किया है, जिसमें बंटू सिंह ने प्रेस वार्ता कर जदयू के सांसद राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह का एक ऑडियो जारी करते हुए कहा है कि लल्लन सिंह बताएं कि वह किसे टाइट करने की बात करते हैं। इसके साथ ही बंटू सिंह ने कहा है कि अगले बार बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार के ऊपर भी एक अहम खुलासा करेंगे। तो ये थी सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।